हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपातकाल का समय अंग्रेजी शासन से भी भयावह था। प्रमोद सावंत, कांग्रेस सरकार द्वारा 25 जून को आपातकाल लागू करने के बाद सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बिना कारण ही जेल में बंद कर दिया। जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए। जो लोग जेलों में बंद थे उन सभी ने यही कहा कि 1947 से पहले अंग्रेजी साम्राज्य में जो जेल में थे उनकी स्थिति और बेहतर थी, लेकिन आपातकाल के दौरान जो नेता और नागरिक जेल में बंद रहे उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि बताया नहीं जा सकता। और ये सिर्फ हुआ इसलिए कि उस समय की प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता कोर्ट द्वारा निरस्त की गई थी। सिर्फ इससे बचने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को इतिहास के काले पन्ने में यानी कि आपातकाल में धकेल दिया। उस समय जनता की सुनने वाला कोई नहीं था। जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि ये बात आपातकाल के दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा राजसमंद के कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर प्रमोद सावंत ने सभी कार्यकर्ताओं से कही। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि आपातकाल भी कांग्रेस की एक चाल के चलते लागू किया गया। जब देश आजाद हुआ तब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस आजादी के लिए बना संगठन है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर कांग्रेस को खत्म कर देंगे तो मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा। इसलिए आज भी कांग्रेस पार्टी चालू है और आगे जाकर इंदिरा गांधी ने भी इस पार्टी का उपयोग किया और प्रधानमंत्री बन बैठे और आपातकाल लागू कर दिया। अब आज राजस्थान में गहलोत सरकार भी उपयोग कर रही है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को डर सता रहा है कि महाराष्ट्र से तो बस निकल चुकी है, कहीं राजस्थान से भी बसें ना निकल जाए। इस सोच में डूबे जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह बारट ने सभी को आभार ज्ञापित किया और कहा कि आपातकाल में उन महान विद्वानों को सादर नमन करता हूं। उन्होंने जो प्रताड़ना का सामना किया है वैसे तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं थी। उन सभी की दुआओं से ही आज कांग्रेस का पतन होता जा रहा है और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस अवसर पर आपातकाल में जेल में गए उमाशंकर दादी, अर्जुन तलेसरा, अर्जुन पालीवाल का श्रीफल व शाल उड़ाकर के स्वागत किया गया तथा सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस विशाल धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ इस विशाल धरना प्रदर्शन को बंशीलाल खटीक, सुनील जोशी, महेश प्रताप सिंह, महेंद्र कोठारी ने भी संबोधित किया। संचालन जिला मंत्री व कार्यक्रम सह संयोजक महेंद्र सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर हरि सिंह रावत, भवरलाल शर्मा, कार्यक्रम संयोजक प्रदीप काबरा, सुनील गांधी, भानु पालीवाल, महेश पालीवाल, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट सहित सभी जनप्रतिनिधि गण, सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य, साथ ही मंडल अध्यक्ष व मंडल कार्यकारिणी, सभी मोर्चा अध्यक्ष, मंडल व जिला कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठ के संयोजक व वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।